आज की इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग देखने वाले हैं अंडर रुपीज 90,000 में गेमिंग पीसी बिल्ड, सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज वीडियो एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू मॉडर्न कंप्यूटर्स, मेरा नाम है सार्थक। अच्छा, इस पीसी बिल्ड का ऑर्डर आया हमारे पास कर्नाटका से, तो वहां पर हम लोग इस पीसी को शिप करने वाले हैं। बाकी गाइस ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं, तो स्क्रीन पर आपको हमारे दोनों नंबर देखने को मिल जाएंगे, कॉल व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हो 7011805001 और 9403890290। इन नंबर के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट करके आप हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो, वो आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको कराना चाहिए। बाकी आप लोग जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि modxcomputers.com, वहां पर आपको कस्टम पीसी करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्टली वहां पर जाकर के अपने पार्ट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड बढ़िया बात यह है कि चेकआउट वाले पेज पे आपको पे ओनली 10% का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 10% सिर्फ पे करके आप अपनी पीसी की बुकिंग डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो। बाकी आप लोग आ सकते हो हमारी ऑफलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हो, वहां पर आकर के अपना पीसी बिल्ड करा सकते हो, तो नेहरू प्लेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, 205 सेकंड फ्लोर राजोस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। ऑफलाइन आइए, हमारे स्टोर को विजिट करिए, अपने पीसी बिल्ड कराइए। एड्रेस, गूगल लोकेशन, लिंक, सारी डिटेल्स गाइस आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गाइस यहां पर हमारे प्रोसेसर के बारे में, बात करते हुए इंटेल के कोर i5 13400F प्रोसेसर का हम लोगों ने गाइस यहां पर यूज करा है। बहुत ही अच्छा सीपीयू अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, काफी बढ़िया कोर एंड थ्रेड काउंट मिलता है, 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स हमें सीपीयू के साथ मिल जाते हैं। यानी कि अच्छी बात यह रहती है कि जैसे कि अगर आप गेमिंग के अलावा यहाँ पर स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, कुछ भी ऐसा वर्कलोड डालते हैं इसके ऊपर जिसमें कि आपको मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस की थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर ये सीपीयू आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। अच्छा, इसके साथ में जो मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा है, ये आ जाता है हमारा MSI की तरफ से, उनका प्रो B760MA Wi-Fi DDR5 मदरबोर्ड। बहुत सारे पीसी बिल्ड्स के अंदर गाइस मैंने आपको ये मदरबोर्ड दिखाया क्योंकि ये है इतना रिलायबल, इतना अच्छा मदरबोर्ड, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी हमें यहाँ पर ऑफर करता है। साथ ही साथ में ब्लूटूथ दोनों के सपोर्ट के साथ में आता है, DDR5 RAM के सपोर्ट के साथ में ही आता है। इसमें DDR4 वाला वर्जन भी आता है, बट हमने ये PC जो है यहाँ पर DDR5 बेस्ड यहाँ पर बनाया है। अच्छा, इस प्रोसेसर के साथ में जो हम लोगों ने यहाँ पर एयर कूलर पेयर करा है, ये आ जाता है हमारा डीपकूल की तरफ से, उनका AG400 ARGB एयर कूलर। बढ़िया एयर कूलर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, काफी वैल्यू फॉर मनी है। एंड जो हमारा 13400F प्रोसेसर है, इसके टेम्परेचर्स को बढ़िया तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है, और इसकी जैसे कि इसमें LED ARGB दोनों वर्जन आते हैं, सो दिस इज ARGB वाला वर्जन, यानी कि आप इसको मदरबोर्ड से सिंक करके डायरेक्टली यहाँ पर भी आप जो है जैसे पूरे कैबिनेट के जो फैंस चल रहे हैं उसी के साथ में सिंक होकर के चल रहा है, तो काफी बढ़िया भी लुक आ जाता है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो गाइस रैम टोटल हम लोगों ने जो है यहाँ पर 16 GB की दो स्टिक्स यूज करी, यानी कि टोटल हो जाती है हमारी 32 GB, जो कि 5600 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। नॉन RGB रैम है, कॉर्सेयर की वेंजेंस DDR5। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 90,000 का हमारा बजट था, तो भाई उस हिसाब से काफी बढ़िया पीसी बिल्ड है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा Inno3D की तरफ से, उनका RTX 3060, जो कि 12 GB वाला वर्जन है, Twin X2, काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड। आपको 1080p पर एकदम हाई रिफ्रेश रेट में गेमिंग करनी हो तो भाई ये ग्राफिक्स कार्ड आपको काफी बढ़िया गेमिंग करा देगा। साथ ही साथ में अगर आपको 2K लेवल पर गेमिंग करनी है तो बहुत सारे गेम्स जो है आप 2K पर भी एंजॉय कर सकते हो इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में, और एकदम काफी बढ़िया पैकेज यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि अगर आप गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, तीनों वर्कलोड के हिसाब से 90,000 रुपए के अंदर जैसे कि 13400F पेयर्ड अप विद दी RTX 3060, तो एक काफी अच्छा कॉम्बो बन जाता है, चाहे आपको गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो या फिर एडिटिंग करनी। अच्छा, स्टोरेज में गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक SSD का यूज करा है, जो कि आ जाती है WD की तरफ से, उनकी WD ब्लैक 1 TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा, बढ़िया रहेगी, विंडोज चलने का भी अच्छी खास स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। WD जैसे एक अच्छे एंड एक रिलायबल ब्रांड की तरफ से यहाँ पर ही आती है। पावर सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पर 650W इनफ रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से, 3060 यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो PK650D पावर सप्लाई का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, जो कि 80+ ब्रोन सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है। ओवरऑल एक काफी बढ़िया पावर सप्लाई एंड काफी बजट में भी आ जाती है। कैबिनेट के बारे में बात करते हैं गाइस, तो काफी सारे पीसी बिल्ड्स के अंदर मैंने आपको ये वाली कैबिनेट दिखाई है, जो कि गैलेक्सी की रेवोल्यूशन
1.06 ARGB वर्जन इस कैबिनेट का, जिसमें कि आपको प्री इंस्टॉल 4 ARGB फैंस मिलते हैं, 3 फ्रंट में, एक रियर में एग्जॉस्ट के लिए, जिनको कि आप मदरबोर्ड से यहां पर सिंक कर सकते हैं। फ्रंट में आपको जो है मेश यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया एयर फ्लो आपको यहां पर प्रोवाइड करा देती है आपके कैबिनेट के अंदर। साथ ही साथ में ना आपको यहां पर डोर मैकेनिज्म वाला जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपको इस कैबिनेट के साथ में मिलता है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट इसको यहां पर ये बना देता है। ओवरऑल ये काफी अच्छी कैबिनेट है, अगर आपका जैसे 1 लाख के आसपास का बजट है, थोड़े से आप मीडियम बजट में यहां पर एक बढ़िया सी कैबिनेट ढूंढ रहे हैं जिसमें कि एयर फ्लो भी अच्छा मिल जाए, तो आप डेफिनेटली इस कैबिनेट को यहां पर जो है कंसिडर कर सकते हैं। बस तो गाइस यही था हमारा रुपीज अंडर 90,000 का पीसी बिल्ड। आपको कैसे लगा मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। टू बी स्पेसिफिक 88,000 में पीसी बिल्ड हमारा यहां पर बन गया था। एंड बाकी अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो सभी तरीके आपको पता है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट की लिंक एंड जो ऑफलाइन स्टोर है उसकी गूगल लोकेशन लिंक, एड्रेस वगैरह सब कुछ। सो आप डेफिनेटली हमको रीच आउट कर सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।